एक्सपीरियंस रहा और क्या है ये गाना? वेल सोनू जी ने लिखा है ये गाना और मुझे बहुत ही पसंद है इनके गाने. मैंने बहुत सारे गाए भी हुए हैं और पर्सनली आई रियली लाइक व्हाट ही राइट्स. तो सबसे बड़ी बात है कि ये खुद गा रहे हैं. उनका डेब्यू यू नो एज अ सिंगर पहला गाना होने वाला है तो मैं उनके साथ हूँ इसमें भी. इट्स रियली स्पेशल. अपने आप में यही एक बहुत अच्छा हो गया और ऊपर से पंजाबी है. जब भी पंजाबी गानों की बात आती है तो मेरा जो दिल होता है वो अपने आप खुश हो जाता है क्योंकि मैं पंजाब से हूँ. तो दैट इज़ द सेकेंड स्पेशल थिंग अबाउट इट. एंड उसके अलावा गाना तो बहुत ही प्यारा है और आप लोग जैसे सुनेंगे तो आपको भी शायद यू नो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगेगा और सबको सब बहुत पसंद करेंगे. तो बस हम अपनी कोशिश कर रहे हैं. राइट सोनू, अब तक आप जो है गाने लिखते थे, इस बार आपका सिंगिंग डेब्यू होने वाला है तो कितने एक्साइटेड है और किसका आइडिया था ये कि ये गाना आप ही गाने वाले हैं?
ये आइडिया एक्चुअली मेरा खुद का ही था। मेरा ये गाना मैंने बना के रखा हुआ था, काफ़ी महीनों से पड़ा रहा एक बंदे के पास। उसको बोला, वो बोला पहले मैं करूँगा, मैं भाई तू कर ले। उसने नहीं किया, फिर मैंने बोला भाई अब इसको मैं करने जा रहा हूँ गाने को। तो ये डिसाइड मुझे गाना में एक्चुअली मुझे हार्ट टचिंग लगा मुझे गाना भी, जो भी सुनेगा सबको अच्छे लगेगा। मतलब कि जो रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है ना चीज़ें सब उस गाने में है, जो एक ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो भी रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ में कुछ भी है, तो सब मतलब सबके लिए अपना ये गाना हमारा ये कैसा मैसेज देगा, अच्छा मैसेज देगा। ज्योतिका के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? ज्योतिका के साथ काम करने का मुझे बहुत देर से मेरी तमन्ना थी कि ज्योतिका के साथ मैं गाना करूँगा मैं क्योंकि जब मैंने ज्योतिका को पहली बार सुना था मैंने, तो इज़ वेरी गुड सिंगर शी। तो अभी इसने मार्केट में मतलब कि ज्योतिका के बहुत अच्छे अच्छे गाने भी आ रहे हैं। अभी मुंगड़ा भी इनका गाना आया, बहुत अच्छा हिट गया। उसके पहले पल्लू लटके भी आया। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है ज्योतिका, तो मेरी छोटी बहन की तरह है मेरी। तो मैंने इनको बोला भी मुझे मेरे ज्योतिका मेरे साथ गाना करना है तुमने, तो इनने कुछ नहीं पूछा और यही पूछा भी पाजी मुझे ये बताओ सोनू भाजी भी स्टूडियो कौन सा है। तो बस मैंने स्टूडियो बताया अभी ज्योतिका, ये स्टूडियो ये टाइमिंग है और ज्योतिका पहुंची और गाना की, और मैं बहुत खुश हूँ ज्योतिका के साथ काम करके। ज्योतिका आप मानते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहा? जैसे टोटल धमाल में जो आपका गाना आ रहा है लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं सॉन्ग को? सॉन्ग को बहुत प्यार मिल रहा है, मुंगड़ा को स्पेशली, क्योंकि अभी रिलीज़ हुआ है। टोटल धमाल अभी रिलीज़ हुई भी नहीं है फिल्म, उसके बावजूद मैंने लास्ट जब चेक किया था इट वाज अराउंड 35 मिलियन व्यूज़। तो बहुत ही खुशी होती है और जब आपके काम को इस तरह से यू नो तारीफ मिलती है, सब पसंद करते हैं। और स्पेशली जैसे आपने पूछा कि 2019 मेरे लिए सच में बहुत लकी साबित हो रहा है, क्योंकि जनवरी मंथ में ही मेरे 5 गाने रिलीज़ हो गए हैं। सो उसमें से 3 सिंगल्स हैं, 1 फिल्म सॉन्ग है, अभी नेक्स्ट हम लोग ये भी करने वाले हैं बहुत जल्द। आई थिंक इतना अच्छा एग्जैक्टली हम आगे आगे और गाने करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है एंड आई एम रियली हैप्पी। राइट, इस गाने के डायरेक्टर साहब से बात करते हैं सर। एज अ डायरेक्टर, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, क्या क्या थॉट प्रोसेस था इस गाने के पीछे? बेसिकली सोनू मुझे मिला था एक फ्रेंड के थ्रू, बेसिकली गाना लेकर एंड इट वाज लाइक हमारी 5-10 मिनट की कुछ मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने गाना मुझे हेडफोन से लाइक गाना बहुत प्यारा लग रहा है, लेट्स प्लान ऑन इट। सो उसके बाद हमने प्लानिंग की, लोकेशन हंटिंग की और काफ़ी चीज़ें लेकर गाने की कल शूट पे हम जा रहे हैं बेसिकली। ओके, स्टारकास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टारकास्ट इज यास्मीन एंड कन्हैया। कन्हैया इज बीन इन इंडस्ट्री वर्किंग ऑन मेनी थिंग्स एंड दिस इज इज डेब्यू, एंड यास्मीन हैज डन प्रीवियसली फ्यू सॉन्ग्स एंड आई थिंक दिस इज सपोज टू बी अ सेकंड सॉन्ग विद योर लिरिक्स अगेन। या सो दैट्स अ सेकंड सॉन्ग, आई थिंक वन इज रिलीजिंग टुमारो एंड या ऑब्वियसली शी इज गुड, शी इज अमेजिंग, हार्ड वर्किंग एंड क्वाइट फोकस ऑन व्हाट शी वांट्स टू डू। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि दोनों डेब्यूटेंट ही हैं, यास्मीन ने थोड़ा काम किया है, थोड़ी स्टबर्न है, थोड़ी तो एक्टर्स को मैं भी झेलना पड़ता है ना, दैट इज हाउ वी हैव टू। इसे क्या कहना चाहेंगे आप दोनों, थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए कि गाने के अंदर क्या किरदार निभाने वाले हैं। जैसे हमने अभी फोटोशूट में देखा है एक छोटा सा लव सीन है, तो उसी को देख के मतलब लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का गाना होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा किरदार के बारे में अगर आप बताएं। इट्स अ रोमांटिक एंड सैड सॉन्ग, सो लाइक सैड है, रोमांटिक है, सो अभी तक तो यही में बताया गया है कि ऐसा है। कन्हैया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए, एंड स्पेशली ज्योतिका जी एंड सोनू भाई ने जो गाया है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाने, और थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी जिन्होंने, अफजल भाई, एवरीवन। और मुझे जहाँ तक अभी तक पता है सीक्वेंस का, उसमें ये है कि इट्स अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ लव सॉन्ग, और जब आएगी सामने तो सब देख लेंगे। राइट, आज जो है फोटोशूट हो रहा था, थोड़े से नर्वस लग रहे थे आप दोनों, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा कैमरे के पीछे से काम करता था, कई सालों से करता आ रहा हूँ, इवन आप लोगों के साथ ही था, तो अभी थोड़ा सामने आना, थोड़ा सा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो उस बात का डर ज़रूर है, लेकिन डर के आगे जीत। यास्मीन आप क्या कहेंगे, जैसे मैंने कन्हैया से पूछा थोड़े से नर्वस लग रहे थे आप दोनों ही, क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था दोनों? जी हाँ, थोड़ा तो नर्वस थी, क्योंकि बिकॉज पहली बार इन सबके साथ काम कर रही हूँ। सोनू के साथ तो मैंने कर चुकी हूँ, सोनू सर के साथ, बट अभिषेक के साथ एंड इनके साथ, तो इट्स लाइक अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि ज्योतिका आवाज़ देने वाली है, ज्योतिका जी ने बहुत सारे बड़े बड़े गानों को, इवन सीरियसली हम कुछ दिन पहले प्लान कर रहे थे ज्योतिका के साथ सॉन्ग करने का, एंड जब मुझे सॉन्ग मिला एंड अभिषेक ने मुझे बोला कि ज्योतिका ने गाना गाया, आई वाज लाइक कि वाओ, ज्योतिका ने, मैं काम करना चाहती थी इनके साथ एंड लाइक इट्स अ।
I'm also. कने आप खुद को कितना लकी मानते हैं? सोनू पहला गाना अपना जो है आपके ऊपर फिल्माने वाले हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ दी, अब तक उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, जुड़वा 2 का एक गाना लिखा है, और अब जो है लिखने के साथ साथ आवाज़ भी देने वाले हैं, कितना लकी मानते हैं? सी लकी तो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, स्पेशली सोनू भाई को एंड अफजल भाई को मैं इसके लिए थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि वही सॉन्ग मेरे पास लेके आए थे. और सोनू जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब इनकी जुड़वा 2 आ रही थी उस वक्त भी ये मेरे फ्रेंड थे, और स्पेशली इन्होंने बोला कि अब जर्नलिज्म बहुत कर लिया, अब कैमरे के आ गया. तो मैं बोला चलो ठीक है भाई. तो स्पेशली मैं बहुत लकी मानता हूँ, और बहुत ब्यूटीफुल गाना मिला है. जब मैं गाना सुना तो ये कंटिन्यू, मैं पिछले 10 दिन से कंटिन्यू मेरी गाड़ी में यही गाना बजता है हमेशा. तो मेरे को दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी लगी. आई वॉज वेरी लकी. जैसे आपने कहा कि जर्नलिज्म से एक्टिंग में कितना चैलेंजिंग है, और क्या तैयारियाँ की आपने? जाहिर सी बात है कि दोनों फील्ड बहुत चैलेंजिंग है. जर्नलिज्म में भी आपको बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है. एक्टिंग में भी सेम वैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें हम पीछे थे और इसमें सामने. राइट. डायरेक्टर साहब जो है क्रिएटर है इस गाने के, तो उनसे जानना चाहूँगा सर, एज अ डेब्यूटेंट कन्हैया एंड यास्मीन के बारे में क्या कहेंगे? कितनी तैयार, मतलब कितना ब्रीफ करना पड़ा आपको उनको? आई थिंक ज़्यादा नहीं करना पड़ा मुझे. आई थिंक आई मेट यास्मीन वाज फर्स्ट, बिकॉज द गर्ल विच आई हैड इन माइंड आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग एंड हियरिंग द वॉइस ऑफ ज्योतिका, शी वाज द बेस्ट. एंड ऑब्वियसली सो आई इमीडिएटली कॉन्टैक्टेड यास्मीन. वी डिडंट हैव एनी ऑडिशन, वी जस्ट मेट ओवर अ मीटिंग. हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और दैट वाज हाउ इट वेंट. बोथ आर स्मूथ हार्ड वर्किंग. दोनों सॉन्ग्स ये दोनों ने अपनी क्रिएटिव लेवल भी आइडियाज भी शेयर की. It has come out very well. So it is basically a team work. I would not say it is my akele ki credit to nahi hai. Sabki hai, Sonu bhai ki hai, Jyotika se aaj mil rahe, but obviously yes, har cheez ko hum over calls and we have been discussing over everything. Right. Lastly, gaane ki itni tareef ho gayi hai, ho jaye do line agar Jyotika aur Sonu ki awaaz mein. Lang di si jitho munde chumde si thave गलियां च घूमदे सी लैके मेरा ना वे. मैं ता तेरे नाल ही लाइया सोनिया, मैं ता तेरे नाल ही लाइया सोनिया. में करिया ना कर तू लड़ाइया सोनिया, ऐवें करिया ना कर तू लड़ाइया सोनिया. जनाब तेरे तरले पावा वे दस तेनु किंज समझावा, जनाब तेरे तरले पावा वे दस तेनु किंज समझावा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.